स्टेट्स ऑफ मैटर का अगला वीडियो है। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, आइडियल गैस इक्वेशन का डेरिवेशन, ठीक है, उस पर डेंसिटी का फार्मूला, उस पर कंसंट्रेशन का फार्मूला। तो कुछ न्यूमेरिकल आज के वीडियो में लगवाऊंगा आइडियल गैस इक्वेशन पर। याद रखिए जितने न्यूमेरिकल वाले चैप्टर होते हैं केमिस्ट्री में हो या फिजिक्स में हो, ठीक है, तो थ्योरी समझने का मतलब कभी ये नहीं समझना चाहिए कि हमको सब कुछ आ गया। भाई थ्योरी तो बड़ी आराम समझ में आ जाती है कोई बढ़िया समझा दे, लेकिन उस पर आपका न्यूमेरिकल लगना चाहिए। जब आपसे खुद न्यूमेरिकल लगना शुरू हो जाएगा तब आप मानिएगा कि हाँ ये चैप्टर हमारा तैयार हो गया। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल आज मैं लगवाता हूँ। देखिए एक न्यूमेरिकल यहाँ पे लिखा हुआ है, लास्ट वीडियो में सारे फार्मूले बताए गए थे, डेरिवेशन बताए गए थे, तो मैं डायरेक्ट आज अप्लाई करूंगा, ठीक है। ए सैंपल ऑफ ए गैस ऑक्युपाइज वॉल्यूम ऑफ, जब भी न्यूमेरिकल लगाने का क्या तरीका होता है, जब भी कोई आप न्यूमेरिकल पढ़िए तो जो डेटा आपको मिलते जाए उसको नोट करते जाइए। जैसे ए सैंपल ऑफ ए गैस ऑक्युपाइज वॉल्यूम ऑफ 2.74 डीएम, डीएम का मतलब होता है डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब भी होती है, वॉल्यूम की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब भी होती है, वॉल्यूम की यूनिट एमएल भी होती है, वॉल्यूम की यूनिट लीटर भी होती है। ये सारे यूनिट्स वाला खेल मैं आपको पढ़ाया हूं इसी चैप्टर के पहले वीडियो में, तो जाके उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो 2.74 डेसीमीटर क्यूब, तो डेसीमीटर क्यूब है तो वॉल्यूम आप लिख लो 2.74 डीएम क्यूब डेसीमीटर क्यूब एट 0.9 बार, बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, तो आपका P दिया हुआ है कितना 0.9 बार एंड 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन। टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में बदलते हैं हमेशा। अच्छा फिर करें सर, इसको भी लीटर में बदलिए, अगर जरूरत महसूस होगी तो बदलेंगे, लेकिन अभी अभी हम डेटा नोट किए हैं, देखते हैं आगे क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा। व्हाट विल बी द वॉल्यूम, ओ माय गॉड, एक वॉल्यूम दिया है और दूसरा वॉल्यूम पूछ रहा है, तो आप इसको V1 कर लो, ये सारा आंकड़े को 1-1 कर लो, और V2 पूछ रहा है तो V2 बराबर क्वेश्चन मार्क लगा लो एट 0.75 बार, P2 बराबर 0.75 बार एंड 15 डिग्री सेल्सियस, तो T2 बराबर 273 और 15 जोड़िए 288 केल्विन। ये देखिए यहां प्रेशर बार में है, यहां भी बार में है, यहां टेम्परेचर केल्विन में, यहां भी केल्विन में है, यहां वॉल्यूम डीएम क्यूब में, यहां भी वॉल्यूम डीएम क्यूब में, निकल जाएगा ऑटोमेटिक। मतलब आपको डेसीमीटर क्यूब को लीटर में या मिलीलीटर में बदलने की कोई जरूरत नहीं है, आपका आंसर भी डेसीमीटर क्यूब में आ जाएगा। अच्छा कितने टर्म आपको मिले, 6 V1 P1 T1 V2 P2 T2, अच्छा 6 टर्म आपको मिले हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, याद आ रहा है P1 V1 / T1 बराबर P2 V2 / T2, तो वही फार्मूला आप यूज करेंगे, P1 V1 / T1 बराबर P2 V2 / T2। सारा डेटा पुट कर देंगे, P1 की जगह 0.9, V1 की जगह 2.74, T1 की जगह 300 बराबर P2 की जगह 0.75, V2 निकालना है और T2 की जगह 288 केल्विन, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा V2। तो कुछ था इस न्यूमेरिकल में नहीं, दिखने में थोड़ा बड़ा लगा न्यूमेरिकल। आप धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़िए और डेटा नोट करिए, डेटा नोट करिए, सारा डेटा नोट करने के बाद आपको पता चल जाएगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि दो वॉल्यूम दो टेम्परेचर दो प्रेशर की बात करेगा तो हमेशा यही फार्मूला लगेगा यही, ठीक है। अगर क्वेश्चन बोलता कि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो T1 T2 कट जाता, खाली ये फार्मूला बचता, बोलता प्रेशर कॉन्स्टेंट है P1 P2 कट जाता, बचता V1 / T1 बराबर V2 / T2, बोलता वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है तो V1 V2 कट जाता। मतलब तीन लॉ आप लोग को पढ़ाए गए थे, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एमॉन्टन्स लॉ। बॉयल ने क्या कॉन्स्टेंट किया था, टेम्परेचर, चार्ल्स ने क्या कॉन्स्टेंट किया था, प्रेशर, और एमॉन्टन ने क्या कॉन्स्टेंट किया था, वॉल्यूम। एमॉन्टन्स लॉ को ही बोलते हैं गे-लुजैक लॉ, ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको सॉल्व जरूर कर लेना, ये नहीं तुम यही छोड़ दिए। देखिए दूसरा न्यूमेरिकल, ठीक है, एट 25 डिग्री सेल्सियस आपको मैंने बोला क्या, डेटा नोट करते रहो, टेम्परेचर दिया 25 डिग्री सेल्सियस, तो लिख दिए T1 बराबर 25 में 273 जोड़िए क्या आएगा 298 केल्विन, ठीक, एंड 760 एमएम प्रेशर, प्रेशर दिया हुआ है P1 बराबर 760 एमएम। अच्छा कई लोग कह रहे हैं सर इसके पहले वाले क्वेश्चन में बार में दिया था, सब प्रेशर की यूनिट है भाई, जो मन करेगा उसमें देगा, ठीक है। तो P1 760 एमएम, ए गैस ऑक्युपाइज 1600 एमएल, V1 दिया हुआ है 1600 एमएल, फिर पढ़िए व्हाट विल बी इट्स प्रेशर, P1 दिया है और P2 पूछ रहा है, P2 बराबर क्वेश्चन मार्क एट ए हाइट वेयर द टेंपरेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस, तो T2 बराबर दिया हुआ है कितना 283 केल्विन एंड द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 640 एमएल, तो V2 बराबर दिया हुआ है 640 एमएल। जरा चेक कर लो,
टेम्परेचर केल्विन में, ये भी केल्विन में, प्रेशर एमएम में, यहाँ पूछ रहा है एमएम में निकाल देंगे, यहाँ वॉल्यूम एमएल में है और यहाँ भी वॉल्यूम एमएल में, मतलब यूनिट आपको कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ दोनों साइड का यूनिट सेम है। तो अगर ये मिलीमीटर में है तो ये भी मिलीमीटर में निकलेगा, अगर ये एटीएम में होता तो ये भी एटीएम में निकलता। कौन सा फार्मूला लगेगा बताइए? V1 बराबर बाई T1 बराबर P2 V2 बाई G2। अब फिर सेम वही पिछले जैसा है, सब कुछ रख देंगे, P2 आपका निकल जाएगा, सारा डेटा आप इसमें पुट कर देंगे, P2 आपका निकल जाएगा। मैं लास्ट तक सॉल्व नहीं करा रहा, ये आप बस वैल्यू रख के आप क्रॉस मल्टीप्लाई कट पिट कर लेना, अगर आपको कट पिट नहीं आता तो बेसिक मैथमेटिक्स जाके पहले पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है। द मास ऑफ 0.5 dm³, तो मास ऑफ 0.5 dm³, ये dm³ है, ये मास नहीं है, मास तो आगे कहीं दिया होगा। 0.5 dm³ ऑफ हाइड्रोजन, dm³ मतलब वॉल्यूम है, क्या है? वॉल्यूम है। डेटा नोट करते चलिए, वॉल्यूम दिया हुआ है 0.5 dm³, छोड़ दीजिए। ऑफ H2 एट ए प्रेशर ऑफ 1 bar, बहुत सही प्रेशर दिया हुआ है, P = 1 bar, छोड़ दीजिए। एंड एट ए टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन, टेम्परेचर दिया हुआ है आपका 300 केल्विन। वाज फाउंड टू बी इतना ग्राम, ये ग्राम है तो यही क्या है? मास है, मास दिया हुआ है, लिख लो 4.0 × 10⁻², ठीक। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ H2, ओहो मोलर मास ऑफ H2 पूछ रहा है, यानी कैपिटल M क्वेश्चन मार्क। अच्छा ये देखो, एक ही वॉल्यूम दिया, एक ही प्रेशर दिया है, एक ही टेम्परेचर दिया है, जब एक ही वॉल्यूम एक ही प्रेशर एक ही टेम्परेचर देता है तो आइडियल गैस इक्वेशन का कौन सा फार्मूला लगाते हैं? PV = nRT, वो फार्मूला आप लगाएंगे, PV = nRT। दो फार्मूले आप पढ़े हैं आइडियल गैस इक्वेशन के, जब दो बार प्रेशर दो बार टेम्परेचर दिया हो तो P1 V1 / T1 बराबर P2 V2 / T2, लेकिन जब एक ही बार डेटा दिया है तो PV = nRT। चलो तो P कितना है? 1। अच्छा देखो यहाँ इस इक्वेशन की एक खास बात पहले दिमाग बैठा लो, अगर प्रेशर तुम बार में रखोगे तो R की कुछ और वैल्यू आएगी, अगर प्रेशर तुम ATM में रखोगे तो R की कुछ और वैल्यू आएगी, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम हमेशा लीटर में रखते हैं, नंबर ऑफ मोल तो मोल में ही रहेगा और टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रहेगा, तो इसकी अपनी फिक्स कंडीशन है। तो प्रेशर दिया है बार, तो मुझे बार वाली वैल्यू याद है, मैंने आप लोग को भी नोट करवाया था, अगर आपको बार वाली वैल्यू याद हो तभी आप इस यहाँ पर बार में रखना, वरना आप इसको ATM में कन्वर्ट करके रखना और फिर ATM वाली वैल्यू R की रखना। तो जो वैल्यू जैसे रख रहे हो, मैंने प्रेशर को रखा 1 bar, अच्छा वॉल्यूम dm³ में दिया है, लीटर में दिया है, तो आपको बता दें यही होगा 0.5 liter, क्यों? 1 dm³ बराबर होता है 1 liter, 1 dm³ बराबर होता है 1 liter, तो 10 dm³ बराबर 10 liter, तो 0.5 dm³ बराबर 0.5 liter, तो ये लीटर में निकाल लिया हमने, ध्यान रख दिया 0.5 liter। नंबर ऑफ मोल नहीं पता है, R की वैल्यू 0.083, कई बच्चे सोच रहे होंगे सर 0.0821 होता है, 0.0821 कब होता है? जब प्रेशर किसमें हो? ATM में हो। मैंने प्रेशर किसमें रखा है? बार में रखा है, तो बार वाली वैल्यू ये होती है 0.083 बार लीटर पर केल्विन पर मोल, ठीक है। तो वैल्यू याद रखिए, टेम्परेचर आपका दिया हुआ है कितना? 300 केल्विन × 300, इसको सॉल्व करके आप क्या निकालेंगे? मोल, ये हो जाएगा आपका हाफ, दो सुधार मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दो से यानी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.083 × 300 / 2, इसको डिवाइड करो, ये मेरे ख्याल से आएगा 8.7 × 24 और 24.63 / 2, 12.15, ठीक है। सॉल्व कर लेना कैलकुलेशन, तो 12.15 के करीब, 12.315 के करीब आएगा, ठीक है। ये आया मोल, और मोल का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है? वेट बाई मोलर, वेट आपको दिया है, वेट यहाँ रख दोगे, मोल आप यहाँ रख दोगे, डिवाइड करके क्या निकाल दोगे? मोलर मास, ठीक है। तो ये मोल आप यहाँ रख देंगे, ये यहाँ रख देंगे, मोल यहाँ, ये मोल होगी गड़बड़ी हो रही है, इसलिए इसके बाद कैलकुलेशन आप चेक कर लेना, गलत कर दिया है, सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके यहाँ रख देंगे,
और आपका वेट दिया हुआ है कितना, वेट ये किया मतलब डब्ल्यू एम लिखो इसको या डब्ल्यू लिखो, ये आपका दिया हुआ है कितना ग्राम, ये डब्ल्यू यहाँ रख देंगे और क्या निकल जाएगा, मोलर मास। अच्छा कई बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में क्या सोचते हैं कि मोलर मास तो हाइड्रोजन का हमको पता है ये दो होता है, तो डायरेक्ट क्या करते हैं सारा कैलकुलेशन करके तो ये स्टेप दिखा कर डायरेक्ट ईएम की वैल्यू निकाल लेते हैं, दो कैलकुलेट नहीं करते हैं, तो ये भी तरीका सही है। कभी कभार ऐसा होता है थोड़ा डिफर करता है, 1.99 आ जाएगा या 2.01 आ जाएगा, ठीक है H2 का मोलर मास दो होता है, लेकिन आपका अप्रॉक्स अगर आप दिखा देंगे 1.99 या 2.01 तो मतलब 99% चांस है कि आपका न्यूमेरिकल सही हो जाएगा, अगर आपको ऐसे कैलकुलेशन से बचना है तो, लेकिन कैलकुलेट कर लेना सबसे बढ़िया। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.120 डीएम क्यूब मतलब वॉल्यूम, तो आप फट से लिख लोगे क्या, वी बराबर 0.120 डीएम क्यूब और लीटर, लीटर वही होता है ऑफ एन टू एट टी दिया हुआ आपका कितना 150, 273 और 150 जोड़ी कितना आएगा 373, 27 इधर 23 इधर मेरे ख्याल से 433 423 423 केल्विन, ठीक है ये आपका टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर आपका दिया हुआ है बार में, पी दिया हुआ है 0.987 बार, ठीक है फार्मूला लगा दीजिए पीवी इक्वल टू एनआरटी, प्रेशर कितना दिया हुआ है बार में 0.987, वॉल्यूम कितना है 0.120, नंबर ऑफ मोल नहीं पता, आप क्या कर सकते हैं डब्ल्यू बाई 28 नहीं रुपये होश, अरे भाई मोल का फार्मूला क्या होता है, वेट बाई मोलर वेट और एन टू का मोलर वेट क्या होता है 28, तो वेट बाई 28 क्योंकि वेट पूछ रहा है, मास पूछ रहा है मतलब वही वेट पूछ रहा है, आर की वैल्यू 0.083 और टेम्परेचर क्यों जो ये वैल्यू रखिए क्योंकि ये बार में है, बार में है तो ये वैल्यू और टेम्परेचर 423 केल्विन, ठीक है इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर लेंगे क्या निकल जाएगा आपका वेट, ये नंबर ऑफ मोल की जगह रखा हूँ वेट बाई मोलर वेट और एन का एटॉमिक वेट होता है 14 और यहाँ एन टू है तो एन टू का क्या हो जाएगा 28, तो देख रहे होंगे बड़ा ही आसान न्यूमेरिकल है, अभी मैं एक दो न्यूमेरिकल और लगवा रहा हूँ लेकिन इसको देखते रहिए लगाते रहिए। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, इक्वल मासेस ऑफ टू गैसेस ए एंड बी, दो डिफरेंट गैस है, एक गैस है ए और एक गैस है बी, लेकिन दोनों का मास क्या है सेम, दोनों का मास क्या है सेम, तो मान लिया गैस ए का भी मास है मास ऑफ गैस ए, मास सेम है लिखने जाओ बेटा आगे लिखिए, are kept into separate vessels, तो अलग अलग बर्तन में लिया गया, एक में A, एक में B, दोनों का मास क्या, मोलर मास नहीं क्या, मास क्या है सेम, अगर एक 10 ग्राम है तो दूसरा भी कितना है 10 ग्राम है, अगर एक W है तो दूसरा भी कितना है W है, ठीक है एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, उन दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर भी सेम है, ये देखिए इफ द रेशियो ऑफ मॉलिकुलर मासेस ऑफ A एंड B, दोनों गैस के मॉलिकुलर मास का जो रेशियो है A और B का वो 2:3 है, मतलब अगर गैस ए का मॉलिकुलर मास है 2 तो गैस बी का कितना है 3, अगर गैस ए का है 2x तो गैस बी का कितना है 3x, अगर गैस ए का है 2m तो गैस बी का कितना है 3m, फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू वेसल्स, वेसल्स का जो वॉल्यूम है उनका रेशियो आपको बताना, देखिए क्या करते हैं फॉर गैस ए के लिए PV इक्वल टू RT लगाओ, प्रेशर के बारे में सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो प्रेशर को P ले लो, वॉल्यूम हमको नहीं पता है उन दोनों वेसल्स का, तो PVA A की बात कर रहा है, तो VA मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस A बराबर नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है मास बाई मोलर मास, तो मास को मान लिया W और मोलर मास, W दोनों केस में सेम है, मोलर मास इसका कितना है गैस A का अगर 2 है तो B का कितना होगा 3, तो मान लो गैस A का है मोलर मास 2m, एक दो तीन के रेशियो में लेके चल रहा है, ठीक है और आर टी आर कॉन्स्टेंट होता है और टेम्परेचर दोनों का क्या है सेम है टी। अच्छा तो फॉर गैस बी क्या होगा, गैस बी प्रेशर यही होगा, प्रेशर यही होगा, क्वेश्चन पढ़िए सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेशर यही है, वॉल्यूम बदलेगा पी बी बी बराबर, वेट वही है दोनों गैस का, इक्वल मासेस, इक्वल मासेस तो डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू ही रहेगा, लेकिन मॉलिक्यूलर मास अगर ये 2m है तो ये क्या होगा 3m होगा, रेशियो 2:3 का मेंटेन होना चाहिए, तो ये होगा आपका 3m और r की जगह r रहेगा t की जगह t रहेगा, सही है इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो, अब इक्वेशन 1 में मैं इक्वेशन 2 से डिवाइड करने जा रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा p v a डिवाइडेड बाय p v b बराबर ये ऊपर ले लो w / 2m r t डिवाइडेड बाय w /
सी एम आर टी क्या कट रहा है, देखिए टी से टी कट गया, डब्ल्यू से डब्ल्यू कट गया, आर टी से आर टी कट गया, एम से एम कट गया, अरे ये क्या सब कट ही गया, क्या बचा है, देखो क्या बचा। तो इसी के आगे चल रहे हैं, देखिए बी ए बाई बी बी, बी ए डिवाइडेड बाई बी बी, ठीक है यहाँ बचा। और ये देखो ये टू वन बाई टू है, ये वन बाई थ्री है, थ्री ऊपर चल जाएगा टू नीचे आ जाएगा, क्या हो गया थ्री बाई, यही आपका क्या आंसर, रेशियो पूछ रहा है, एग्जैक्ट वॉल्यूम नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है रेशियो। तो बढ़िया क्वेश्चन था, एक बार गैस ए के लिए फार्मूला लगाए, गैस बी के लिए लगाए, और बहुत सी चीजें सेम थी, मास सेम था, इक्वल मास है तो डब्ल्यू डब्ल्यू, आर कॉन्स्टेंट है तो आर आर, सेम टेम्परेचर प्रेशर तो पी टी और डी टी, और मोलर मास का रेशियो 2:3, तो अगर ये 2m है तो ये 3m, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लिए, दो ही लाइन में हो गया। देखिए एक क्वेश्चन आप लोग का डेंसिटी वाले फार्मूले पे लगवा दे रहा हूँ, ये देखिए द डेंसिटी ऑफ ए गैस इज फाउंड टू बी 1.56 ग्राम पर डीएम क्यूब, तो डेंसिटी दिया हुआ है 1.56 ग्राम पर लीटर भी आप लिख सकते हैं, एलटी माने लीटर, डेसीमीटर क्यूब का मतलब लीटर ही होता है, ठीक है, तो ग्राम पर लीटर, एट प्रेशर दिया हुआ है कितना 0.98 बार, बार में दिया है ध्यान देना, एंड 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है कितना आपका 273 जोड़ दोगे तो 65 प्लस 273 तो ये आपका आ जाएगा 338 केल्विन। कैलकुलेट द मोलर मास पूछ रहा है, कैपिटल एम इसको पूछ रहा है, डेंसिटी का एक फार्मूला मैंने डिराइव किया था, तो मैं हर न्यूमेरिकल में डिराइव करूंगा, वो फार्मूला आप लोगों को डायरेक्ट याद होना चाहिए, फार्मूला क्या था, डी इक्वल टू पीएम बाई आरटी, लास्ट वीडियो में पढ़ाया गया था, क्या निकालना है, एम निकालना है, तो एम बराबर क्या हो जाएगा डी आरटी बाई पी, एम बराबर डी आरटी बाई पी, डी कितना दिया हुआ है 1.56, आर की वैल्यू बार बार ले लेंगे 0.083, टेम्परेचर आपका दिया हुआ है कितना 338, ठीक है, और प्रेशर आपका दिया हुआ है कितना 0.98, खत्म कर, इसी को सॉल्व कर लोगे लगभग आपका आंसर आएगा 44। ये कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, 44 किसका होता है, मॉलिक्यूलर मास CO2, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। तो ये आपका डेंसिटी पे एक फार्मूला हो गया, मतलब 6-7 क्वेश्चन आप लोग को लगवा दिए गए, ठीक है, इसको आप बढ़िया से लगाइए, तैयार करिए हर चीज़ पे, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा जरूर, किताबों में 70-80-100 न्यूमेरिकल दिए हुए सब लगा डालिएगा, 2-4-5 फंसेंगे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उससे पूछ सकते हैं, ठीक है, तो उसको लगाते रहिए, न्यूमेरिकल नहीं लगाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा आगे बढ़ने का। इसके बाद पूरा आइडियल गैस तक आप लोगों का कवर हो चुका है, इसके बाद के वीडियो में मैं पढ़ाऊंगा डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, जो उस पर भी एक डेरिवेशन है बहुत बढ़िया सा, ठीक है, उसको बढ़िया समझाएंगे, न्यूमेरिकल लगाइए, जब तक आपको अगला वीडियो में दे नहीं रहा हूँ।